मेरी पक पक सुन के पक जाते हो, पक जाते हो, पका हुआ है तू। देखो सनसेट, गांव का ब्यूटीफुल सनसेट टाइम, तब देख सकते हो कितना अच्छा। हेलो गाइस, जय मुरलीधर, जय श्री कृष्ण एंड गुड इवनिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे कचरा डालने जा रही हूँ। इवनिंग की क्लीनिंग हो चुकी है और बारिश लगातार शुरू ही हो चुकी है, तो बारिश बंद नहीं है, धीमी धीमी चालू ही है। और मैंने सोचा चलो क्लीनिंग करके कचरा डाल देती हूँ, तो कचरा डालने जा रही हूँ। और आप यहाँ की ग्रीनरी देख सकते हो, मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो बारिश की वजह से तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी अभी यहाँ पे। थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं, लेकिन आज क्या है कि बारिश की वजह से कोई बाहर नहीं निकला, सभी अंदर है। तो इसी तरह से इवनिंग हमारी ख़त्म होगी, अभी शाम बने शाम हो जाएगी, तो हम खाना पकाएंगे, उसके बाद आके थोड़ी देर गप्पे लड़ाएंगे और सब सो जाएंगे। और आज देखिए ध्रुवंश को साथ खेलने के लिए थोड़ा सा श्वास चढ़ गया है, तो देखिए ध्रुवंश के साथ खेलने के लिए उसकी बहन आई है। तो दोनों भाई बहन खेल रहे हैं और इधर सारा कुछ क्लीन किया था तो उसने बिगाड़ दिया। तो देखिए दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। ये है ध्रुवंश की बड़ी बहन, आपने वीडियो में शायद देखा ही होगा नविया को। तो देखिए इन दोनों ने बेड की क्या हालत कर दी है, खेल रहे हैं क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते दोनों, बाहर बारिश आ रही है तो अंदर ही खेल रहे हैं सब कुछ लेके। और देखिए कपड़े वैसे तो मशीन में सूख चुके थे, सूख गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइजर था तो मैंने इधर सब जगह पे डाल दिया है। अभी स्टैंड नहीं है तो हम इसी तरह से यहाँ डाल देंगी, उसके बाद पॉसिबल होगा तो मैं इसका स्टैंड ले लूँगी तो उसमें डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पे, और ये देखो दोनों भाई बहन कैसे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। ये क्या कर रहा है ध्रुवंश? ओके, होमवर्क खत्म कर लिया? क्यों बाकी है? तो पहले होमवर्क कर लेना चाहिए या खेलना चाहिए? ये वो जाएगी फिर, वो घर चली जाएगी फिर। ओके, तो होमवर्क बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है। ओके, थोड़ा सा ही बाकी है सर। हाँ। और ध्रुवील की तबीयत अच्छी नहीं है तो आज वो खेलने नहीं आया है, वरना तो इस दोनों को खेलता, उसको बुखार हुआ है, सर्दी जुकाम हो चुका है तो नहीं आया। अभी मैं आपको टेरेस पे जाके हमारे यहाँ की ग्रीनरी और बारिश के टाइम कैसा होता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो चलिए हम थोड़ी देर बाद। तो देखिए गाइस हम टेरेस पे आ चुके हैं और इस यहाँ के बहुत अच्छा लगा आज तो हमें, क्योंकि बारिश हो चुकी है और देखिए ध्रुवील भी आ चुका है। हेलो ध्रुवील, चारों ये सब उसकी बहन आई है तो अच्छे से खेलेंगे। सभी खेत में मूंगफली लगाई होगी किसी किसने, तो ये सब अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि अब बारिश आ चुकी है। और देखो सब खेल रहे हैं अपना मजे से। वो कबूतर देख रहे हैं वहाँ पे, चाचा के घर पे है ना कबूतर, तो देख रहे हैं। तो विलेज में इसी तरह से होता है,
देखो ध्रुवंश अपनी बॉल से खेल रहा है, थ्रू व्हीलर नविया पानी में खेल रहे हैं। और यहाँ अभी जाओ, हेलो तो पानी मान थ्रम मान। और देखो सनसेट अभी हुआ नहीं, नविया दे ही ने। और मैंने एक दिन भी आपसे बात की थी कि ये वाले पौधे मुझे बहुत पसंद है, वहाँ उस वाले घर पे फ्लावर, तो अभी हम भी लगाने वाले हैं क्योंकि मानसून आ चुका है, तो हम भी फ्लावर लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर है। और यहाँ पे जो ये इस साइड वो दरवाजे के पास वो गमले में वो फ्लावर तो इतने मस्त दिखते हैं, मन खुश हो जाता है इसे देखकर। तो हम भी ऐसे ही फ्लावर लगाऊंगी, मैं भी पौधे लगाऊंगी। तो चलिए हम थोड़ी देर यहाँ बच्चों के साथ बैठ लेते हैं, थोड़ी देर रहेंगे, बच्चे खेलेंगे और हम थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद नीचे चले जाएंगे। तो थोड़ी देर ब्लर हो रहा है। देखिए गाइस ये तीनों कैसे खेल रहे हैं। और देखो सनसेट, गांव का ब्यूटीफुल सनसेट टाइम, तब देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। तो ये गांव का ब्यूटीफुल सनसेट है। थोड़ी देर ये तीनों यहाँ पे खेलेंगे और थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद सब नीचे चले जाएंगे। बस नीचे जाए तो उन्हें अवे लेवा जाओ। और ये देखिए ब्यूटी या बॉल फेंक रही है, उसका बॉल नीचे चला गया है। तो देखो उसने, उसकी दीदी ने नीचे से ला के दे दिया है, तो खेल रहे है। तो चलिए गाइस इन दोनों को इंजॉय करने देते हैं तीनों को। मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, काम तो कुछ नहीं, यहाँ बैठूँगी थोड़ी देर, उसके बाद नीचे जाएंगे, खाना पकाएंगे और खाएंगे और फिर सो जाएंगे और हमारा दिन ख़त्म। कल फिर सुबह होगी, फिर कल से फिर जागेंगे, फिर सब काम करेंगे। तो ऐसे ही हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है। तो देखिए उसकी दीदी आ चुकी है और अपना बोल लेके अभी खेलेंगे तीनों। जाऊं तो देखो उसकी दीदी को घर जाना है, उसकी मम्मी का फोन आ गया है। टाटा नविया, टाटा ध्रुवंश, काला जी, काला जी। तो देखिए गाइस फाइनली सनसेट भी हो चुका है और हम भी नीचे जा रहे हैं, अब खाना पकाएंगे हम। तो चलिए थोड़ी देर, कितने दिनों बाद फिर से हम टेरेस पे आए थे, तो मज़ा आ गया। और शायद उस साइड से बारिश आने वाली है, शायद वहाँ से देखिए उस साइड से बारिश आने। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो?
बहुत दिनों बाद मिले हैं आपसे। तो चलिए, कुछ नहीं है कहने। ऐसा ही होता है जब भी वीडियो चालू करें, ऐसा लगता है क्या कहे, क्या बोले, क्या बोले। और सॉरी, ये थोड़े कैमरा साइन है, ये नहीं बोलते, लेकिन मुझे तो बहुत बोलती हूँ मैं तो। मेरा तो पक 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 ऐसे चालू चालू रहता है, दिन में भी चालू रहती है, लाइट में भी चालू रहती है। हाँ, चालू ही रहती है, पक 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 पक, ये दोनों पक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो जय मुरलीधर, जय श्री कृष्ण। और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हम ये ब्लॉग जाने का मन तो नहीं है, लेकिन खत्म तो करना ही पड़ेगा। तो गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, अब ये ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो जय मुरलीधर, जय श्री कृष्ण। और अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हम ये ब्लॉग जाने का मन तो नहीं है, लेकिन खत्म तो करना ही पड़ेगा। तो गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय।